नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं लाइव टू एक्सप्लोर में। लास्ट ईयर एग्जैक्टली यही टाइम पे हम पहाड़ों में थे, भवाली उत्तराखंड के माउंटेन में। चारों तरफ हमारा बर्फ़ था, बर्फ़ में खेल रहे थे। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम अभी ऐसे ही जगह घूमने जा रहे हैं। माउंट बल्डी करके एक जगह है, वैसे ही बर्फ़ से ढका हुआ, पूरा स्नो कवर्ड। अभी से ही स्नो नज़र आ रहा है। ऑलरेडी हम वैसे जर्नी शुरू कर चुके हैं, घर से आगे हैं लगभग 10-15 माइल, और 10-12 माइल कुछ रहेगा। तो इसीलिए ना वो चीज़ याद आ गया पहाड़ों का। आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे एक्चुअली ये कैंप साइट है, कैंप साइट में जाएंगे, देखेंगे कैंप कर पाएंगे कि नहीं, कितना ठंड है, कैसा है, थोड़ा सा ये करके। और गोगी जी तो है ही आपके साथ। गोगी आज सिर्फ गोगी जी नहीं है, पूरा फैमिली है। फैमिली है आज, पूरा फैमिली है। बबन, भाभी, सहज सब लोग आए हैं। आए हैं कि उधर जाके थोड़ा सा कुकिंग करेंगे। हाँ। कैंप साइट पे, और उसका हम सामान लेके आए हैं। हाँ। तो बहुत फन होने वाला है। ठंडी तो ऑलरेडी, इसलिए हमने जैकेट डाल दिया पूरा मोटा वाला। बहुत ठंडी है, ऊपर कुछ टेम्परेचर है, माइनस में है। वैसे रात को होता है, अभी 4-5 डिग्री रहेगा, रात को -8 तक जाता है इधर टेम्परेचर। इसलिए हम अगर इधर कैंप भी करेंगे ना, तो थोड़ा जुगाड़ के साथ मतलब हीटिंग का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना हमको, तभी इधर आ सकते हैं। लेकिन वी विल ट्राई। अब अभी अभी से हम कुछ कमिट नहीं कर रहे, बट अगर ऐसा कुछ इंतजाम हमारा हो गया, सब कुछ ठीक रहा, तो इधर आके फिर से कैंपिंग करेंगे, स्नो कैंपिंग। मेबी वी विल वेट अ लिटिल बिट, क्योंकि हमारा स्नो तो रहेगा 3-4 महीने, लेकिन टेम्परेचर डाउन जाना चाहिए, थोड़ा सा और डाउन जाना चाहिए। एनीवे लेट्स सी। भाई श्री भाई तो है एक्सट्रीमिस्ट, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ। नहीं, अभी तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे असर पड़ जाएगा। इधर से ही स्नो नज़र आ रहे हैं, ऊपर जाके बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे इधर रेस्ट रूम के लिए हम ब्रेक, ये रेस्ट रूम बना हुआ है तो हमने रुके थे। चलो कंटिन्यू करते हैं, आप नज़ारा का मज़ा लो, मिलते ही थोड़ी देर में। इधर है बब्बन, भाभी और सब। कर दो एक बार सहज। बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ठंड है यहाँ। गाड़ी में अभी तक बैठे थे, मालूम नहीं पड़ रहा था, अभी मालूम पड़ रहा है बाहर निकलने के बाद कितना ठंड है। ऊपर तो सोच ही सकते हैं कैसा हालत हुआ। ये देखे ही गोगी जी बोल रहे हैं इधर कैंप करना थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली यार, हाँ, यस ऑफ कोर्स। और एक्चुअली ना वो कैंपिंग के लिए ये आता है, प्रोपेन टैंक आता है, क्या बोलते हैं उसको, हीटर आता है प्रोपेन टैंक के साथ। हाँ, तो टैंक के अंदर लगा देंगे ना, तो पूरा मस्त टेम्परेचर बन जाता है, इजीली कर सकते हैं कैंप। बहुत सारा ऑप्शन है वैसे हॉट टेंट कैंपिंग करके। इधर तो वैसे बहुत सारा वीडियोस आता है लोग स्नो लेके आ रहे। बर्फ वाला पहाड़, तो ऊपर तो स्नो रहेगा ही रहेगा पक्का। हाँ, लोग लेके आ रहे हैं स्नो गाड़ियों में, देखा नहीं? ओ अच्छा, था क्या? क्या? एक टनल। राइड का ही तो मजा है, पहाड़ों में जो ट्विस्ट एंड टर्न वाला राइड रहता है वो सबसे मजेदार है। ऐसे मुझे ड्राइविंग में भी पसंद है, वैसा घाट रोड में। मैं तो जब पहली बार ये सीखा था ना गाड़ी, पहला मतलब सेकंड राइड मेरा था माउंटेन को, वो भी 74 हेयरपिन बेंड वाला माउंटेन में लेके गया मैं जब गाड़ी सीखा था। इधर भी आपको गाड़ी सिखा ही देंगे सर,
आपने गाड़ी आता है सिर्फ लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है दैट्स इट। गाड़ी तो मतलब आपने हमें व्लॉगिंग सिखाई है, हम आपको गाड़ी सिखाएंगे नहीं, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाएंगे आपको बिठा के साथ में। इसलिए सब पार्किंग सब लोग आ गए हैं स्नो में, स्नो तो सबको पसंद आता है। ये देखो बबन का एक्साइटमेंट देखो कितना एक्साइटेड है बबन, यू आर एक्साइटेड। बच्चे लोग क्या सबको पसंद है यार स्नो, लेकिन कितना पार्किंग है यार, कितना भीड़ है। लगा दूं इधर थोड़ी देर? हाँ लगा दो। नहीं हाँ इधर थोड़ा ही है, लेकिन आ गया लगता है 0.1 माइल मतलब गया है वो तो गया। बहुत गया। चलो बाहर जाते हैं स्नो थोड़ा पीछे तो भी होड़ा, होड़ा। भीड़ देखो कितना कितना सारा गाड़ी पार्क्ड है। और स्कीइंग भी होता है इधर, स्कीइंग भी करते हैं लोग। फिसलेगा देख के, फिसल रहा है थोड़ा थोड़ा पैर। सारे तो ऑक्यूपाइड जैसा ही लग रहा है, कैंपिंग एरिया। मिल गया एक क्या कैंपिंग टेबल, ठंडा तो है ही, ऑब्वियसली स्नो है तो ठंडा तो लगेगा ही, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ठंडा नहीं है। नहीं नीचे ठंडा था, इधर स्नो होने की वजह से ठंडा नहीं है। हाँ इतना ठंडा नहीं लग रहा है यार, बहुत प्यारा जगह है यार। और ये कैंप ग्राउंड मैनकर फ्लैट कैंप ग्राउंड करके बोलते हैं, और स्नो में तो एक्साइटमेंट अलग ही रहता है कैंपिंग का। लेट्स सी, लोग लगाए भी है टेंट, एक दिख रहा है मुझे उधर पूरा बर्फ वाला जगह। और हम जो लेके आए थे, हम हॉट डॉग फॉट डॉग सब लेके आए हैं, वो बहुत चिकन हॉट डॉग, चिकन हॉट डॉग बनाएंगे। और बब्बन को चाहिए ये करना, उसको स्नोमैन बनाना है ना जब टेम्परेचर डाउन होता है ना, तभी जो बटल वाला प्रोपेन या ब्यूटेन टैंक वो नहीं चलता है, इसलिए ये वाला टैंक चाहिए, मोटा वाला। आप कोई भी हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो और जिधर स्नो है टेम्परेचर नेगेटिव्स में जाता है, वो जगह पे ना वो बॉटल टाइप सिलेंडर नहीं चलते हैं, उसके लिए मोटा वाला चाहिए। तो हम ये लेके आ गए। Basically hot dog made out of chicken meat. इधर जितना भी कैंप ग्राउंड्स हैं, इसमें आपको ऐसा चेयर टेबल मिल जाएंगे, टॉयलेट फैसिलिटी मिल जाएगा, और बारबेक्यू का ये भी मिल जाएगा। देखो चाहे इंडिया हो या यूएस, लोग लिटर तो करते ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर भी दिखने को मिल जाता है वो, तो वैसा मिलता है इधर, आप बारबेक्यू ये सब भी कर सकते हो। हमने अभी एडवेंचर पास भी ले लिया, द अमेरिका द ब्यूटीफुल करके एक एडवेंचर पास आता है, जिसका प्राइस $80 है, तो मतलब 6500 के करीब है। उसमें क्या होता है कि 2000 रिक्रिएशनल फैसिलिटी अक्रॉस यूएस को आपको एक्सेस मिल जाता है। ऐसा जैसे कि ये मैनकर कैंप ग्राउंड है, ये हमारे लिए फ्री है, हम कभी भी आके कैंपिंग कर सकते हैं वो अगर पास है तो। वैसे बहुत सारे कैंप ग्राउंड्स नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग, फिशिंग,
एडवेंचर एक्टिविटीज ये सारे को एक्सेस हो जाता है वो। तो अभी हमारे पास पास है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा ईयर जनवरी में हमने ले लिया तो पूरा ईयर के लिए वो वैलिड है। तो सॉसेजेस अभी फ्राई हो रहे हैं और हमारे पास तो है ही, बाकी सब बन से हॉट डॉग का ये थोड़ा सालसा टाइप, मस्टर्ड सॉस, केचप, मायोनेज, तो सबसे इजी है कैंपिंग में, तो कैंपिंग तो नहीं ऐसा पिकनिक में भी ये बहुत जल्दी बनने वाला चीज़ है। सोचा कि एवरी टाइम हम इंडियन कुकिंग करते हैं आके, तो है ना, तो इस बार सोचा थोड़ा सा डिफरेंट कि हम कुकिंग पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ। जल्दी से हो जाएगा, बच्चे भी साथ में हैं, उनको भी भूख लगी है, काफ़ी ड्राइव करके आए हैं। तो आई थिंक दिस वॉज द easiest substitute for us. Yes. So, and it's going to be delicious too. Yeah, of course. इधर देखो बच्चों का हाल, हमको भी लेके आना चाहिए था। लगभग हर एक के पास ये है, स्लाइडिंग कर रहे हैं सब, पूरा यार रेत जैसा है, मजा आ रहा है पूरा। पाइन ट्रीज, थोड़ी थोड़ी धूप भी है। बिल्डिंग जैसा हो गया ये भी, सही है, लुक्स डिलीशियस। मुंह में भी धुआं निकल रहा है। श्री भाई तो अब अमेरिकन कुक भी हो गए हैं। अमेरिकन कुक, हॉट डॉग बना रहे हैं, हॉट डॉग। गरम कुत्ता खाएंगे आज। गरम कुत्ता खाएंगे। मेन तो ये ग्रिल करना था ना, सॉसेजेस रेडी है तो बाकी। बबन, Did you make a snowman? Yeah. Huh? Where is your snowman? No, वो gloves पाके रहते हैं ना। नहीं हाँ, वो actually अभी से हाथ ठंड लग रहा है तो उसमें चलेंगे तो। This is life of Gogi and life of Shrikant ji हो गई अब तो। मैं वही याद कर रहा था last year ना, same time में हम बर्फ में ही थे। Yeah. पूरा family उधर उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे थे। समय कैसे चला जा रहा है देखो। 6 महीने बाद हम दूसरा कंट्री में हैं और भी दूसरा, मतलब हमारा और एक फैमिली इधर इतना दूर। बबन बर्फ में खेल के आ गई, अभी हाथ ठंड लग रहा है तो अभी सेक रही है। ग्लोव्स चाहिए, ग्लोव्स। हवा चलने लग गई। हाँ सर, आपका वो भी डाल दो, ये डाल दो। हाँ, ये डालता हूँ, नहीं तो ठंड लग जाएगा। ठंडी हवा चल रहा है। हवा चल रहा है सर, ठंड भी बढ़ गया। मस्टर्ड सॉस, कैसे श्री भाई? ये हमारा हॉट डॉग रेडी है, देखो बस। हमारा हॉट डॉग तो हो गया। अभी धूप सेकने जा रहे हैं क्योंकि हम छाव में थे और देख के गिरोगे। छाव में थे, ठंड लग रहा था तो अभी धूप में जाना बहुत ज़रूरी है। अभी तक फिलहाल धूप है तो मज़ा आएगा, थोड़ा टाइम धूप में टाइम पास करते हैं फिर जाएंगे घर। तो क्या लगता है सर, कैंपिंग कर पाएंगे? करेंगे नेक्स्ट वीक, या हो जाएगा, लेट्स सी। ओके, बी पॉजिटिव। अरे फिसल रहा है पैर। धूप में तो मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा है। क्या बबन? ओहो बबन, यू नीड टू बी स्ट्रांग। उसका ग्लोव्स नहीं है ना, एक्चुअली ग्लोव्स लेके आना चाहिए था, हाथ भी फ्रीज हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ओके। ठंड लग रहा है ज्यादा बबन को। हाँ करेक्ट,
जा बहुत ठंड लग गया अमन को। उसने ना लाइक मैं उसको बोल रही हूँ कि आइस को मत हाथ लगाओ तुमको ना ठंड चढ़ जाएगा। वो बच्चे लोग सुनेंगे कहाँ, वो जैसे ही बर्फ दिखेगा खेलने के चक्कर में अंदर तक ठंड चढ़ गया उसको। हाँ नहीं 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 ठीक है, गाड़ी में जाओ हम भी आ जाएंगे। ये देखो गिर रहे हैं लोग। ठीक है चलो बब्बन बाय कमिंग सून। बब्बन को तो ठंड लग गया क्योंकि वो बर्फ में खेल रही है कब से, और ग्लोव्स व्लोव्स भी हम लेके नहीं आए तो इसलिए चले गए वापस गाड़ी में। हम भी थोड़ा सा आप लोगों को जगह दिखा देंगे फिर हम भी निकलेंगे, क्योंकि सनसेट जैसे ही हो जाएगा कलर तो खराब होना ही है। वैसे थोड़ा सा फन तो जरूरी है बर्फ में। उधर हम गए थे कौन सा मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर में ऐसे ही था सीन और हम फिसल रहे थे और बिना कुछ स्लाइडिंग का ही फिसल रहे थे नॉर्मल पैंट से। वाओ ये बढ़िया लग रहे हैं यार, पूरा ऊपर तक बर्फ है। उधर से स्कीइंग करते हैं। हाँ स्कीइंग करते होंगे इधर तो पक्का। और इधर देखो ऊपर क्लब है ना ऊपर सर स्लाइडिंग। हमारा मनाली में वो सेथन वैली में ना ऐसा सब होता है। सेथन वैली क्या बहुत सारे जगह पे वैसे होता है लेकिन यह मनाली पॉपुलर है तो सेथन वैली में इग्लू विलेज में इग्लू भी होगा विंटर में, हो रहा होगा अभी मतलब। ऐसा क्रीक जैसा ही लग रहा है इधर से ना, ऐसा पानी होके जा रहा होगा। सी एवरीबॉडी इज मेकिंग स्नोमैन स्नो कैसल्स। काफी ऊपर तक हम आए थे एक्चुअली लेकिन बहुत स्लिपरी है, स्लिप हो रहा है तो अभी नीचे चले जाएंगे। They're having fun. और ऊपर से आ रहे हैं लोग, इतना पूरा ऊपर से इवन स्की भी होता है इधर बहुत सारे जगह पे, इधर से सीधा नीचे तक। सहज इज ट्राइंग। नॉट हैपनिंग, यू शुड कम हियर, कम ओवर हियर। This place it should work. Yeah, maybe from here. Yes. Okay. Fun है भाई, fun है। चलो जी, let's go. हो गया हमारा explore करके। Time to go back home. अभी part two में डाल देना है। अभी मेरा part. बस यही था एक sample, मतलब day picnic भी हो गया और campsite कैसे हैं वो भी हमने check कर लिया और आप लोगों को भी एक जगह देखने को मिल गया। उम्मीद करता हूँ ये vlog आपको अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।